बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ ज़ुबैर साहब, ये जो हमने हाई डेंसिटी के ट्रायल लगाए थे समरोज 337 के 4 एकड़, आज हम रोटावेट कर रहे हैं सर। इसके साथ मैं दूसरी वीडियोज भी आपके साथ भेज रहा हूँ। अच्छा सर, ये 36 मन और 12 किलो टोटल पर एकड़, एक एकड़ के हिसाब से सर ये निकला है। और काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि इसको रोटावेट ना करें, इसको आगे चलाएँ, लेकिन फिर हमारा प्रोजेक्ट था कि हमने हाई डेंसिटी लगा के और अगस्त 5 को या अगस्त 8 में इसको करना है रोटावेट, और 15 दिनों ना लगाना है। तो हमारा 15 दिनों ना सब बिल्कुल तैयार है, पनीरी उसकी तैयार है। तो बस हम शिफ्ट कर रहे हैं सवेरे, इंशाल्लाह आज कल सुबह तक ज़मीन तैयार करके पानी छोड़ देंगे हम। और ये रोटावेट सर 4 एकड़ हमने कर दिए हैं, और वो जो आखिर दूसरे 4 एकड़ वाला ट्रायल है वो हम 2-3 दिन बाद रोटावेट करेंगे सर। तो उसमें ये है कि बाकी तो सर सब ठीक रहा, पूरा प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया था सब बिल्कुल बेहतरीन रहा अल्लाह का शुक्र। सिर्फ एक छोटा सा जो हमें मसला आया वो आया है कि एंड पे आके लेट के हम 10 दिन पहले भी खाली हो सकता था, लेकिन चोनियाँ नहीं मिली। चोनियों की अदम दस्तावेज की वजह से ये सारा इशू आया। अगर चोनियाँ मिल जाती तो जैसे हमारा प्लान था कि 31 जुलाई को हम इसको ख़त्म कर देंगे, तो हमने 31 जुलाई को भी ख़त्म कर देना था। और इसको सर हमने 2 चुनाइयाँ की हैं, पहली चुनाई 70 से 72 और दूसरी चुनाई जो की है वो की है तकरीबन 58 से 62 मन के करीब करीब, मतलब 62 ले गए थे मंडी में, 58 हुआ है, वो ज़रा खुश हो गई। और उसके बाद इसका होंजा किया, 12-13 मन होंजा भी निकल आया, और चोनियों को दे के हमें 8-9-10 मन होंजा भी उसका मिल गया। तो ये लमसम तकरीबन सर 36, वैसे हम तो किया तो 36 मन और 12 किलो मन है। तो बाकी अभी देखते हैं कि ये कम्बल अभी रिकॉर्ड वो ये जो होंजा हमारा पड़ा है ये बिकेगा, अभी बेचा नहीं है, ये बिकेगा तो फिर एग्जैक्ट मैं आपको वो भी बता दूंगा। हमारे अंदाजे में अभी जो हमारी चुनाई है उसके मुताबिक 36 मान और 12 किलो का हिसाब जो है वो इसका आया। काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि ये देखिए ना टीले ऊपर अभी और भी लग रहे थे और ये लशपश भी हो गया था दोबारा। तो एक तो 60 दिन से इसको पानी नहीं लगाया, पूरे 60 दिन पानी नहीं लगाया, और पानी लगाते तो शायद आगे चल जाता। टीले शीटे इसके बने हैं, मेच्योर भी हुए हैं, लेकिन फिर अभी प्रोजेक्ट फिर कम्प्लीट नहीं होता था। काफ़ी सारे दोस्तों ने मशा दिया कि नहीं रोटावेट ना करें, लेकिन फिर हमने इसको जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के घर से साइज को मैंने कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला वो जो ऊपर वाला है ये भी 8 तारीख को रोटावेट हो जाएगा। वो जो उधर खड़ा है ये अभी मोहम्मद जंगीर कैमरामैन जो है ये वो उसको बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये 4 एकड़ जो है ये भी इंशाल्लाह ताला ये फुल चुनाई में खड़ा है, ये भी हम 3-4 दिन बाद उसको कर देंगे। तो सर ये फिर हाफिज़ साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जो हमने प्रोजेक्ट फरवरी के अंदर लॉन्च किया था, जनवरी में डिस्कस किया, फरवरी में लॉन्च किया, तो आज हमने जुलाई एंड में इसको और अगस्त की 5 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। वैसे ये 31 जुलाई को हो सकता था 5 दिन पहले, चोनियों के अदम दस्तावी की वजह से और गर्मी की वजह से। सर ये देखें, ये पूरा ओवरऑल व्यू है कपास का, ये जा रहा है ये सर देखें, और ये इसकी ये देखें पौधे, देखें इसके ये देखें पौधे इसके बिल्कुल हरे। होंजा भी करवाया इसका हमने, जैसे होंजा करवाते हैं सर, 2 चुनाइयाँ और 1 होंजा, 1 चुनाई 70 मन की, दूसरी चुनाई 63 मन तकरीबन, और फिर होंजा करवाया जिसमें से 4 मन चोनियाँ ले गई हैं और 8 मन हमें मिला जी, चौथे हिस्से पे करवाया हमने। और इसके अंदर टेंडे निकल रहे हैं कपास के, ये कुतरे हुए ये देखें आप कपास में भी हैं, और बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह। हाफिज़ साहब ये आज हमने रोटावेट कर दिया है, और कल 5 तारीख को बिल्कुल अव्वल टाइम में हमने इसको 15-09 5 तारीख को लगा देना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ ज़ुबैर अमजद साहब, ये आज हमने इसको रोटावेट शुरू कर दिया है सर। ये ज़मीन के ऊपर पहला फेरा इस तरफ से आ गया है, वो ट्रैक्टर आ रहा है रोटावेटर मारता हुआ सामने। ये फसल की कंडीशन आप देख लें, खड़ी तो लश ग्रीन है, और टेंडे ऊपर हैं इसके, ये हैं इसके ऊपर टेंडे, लेकिन हम अब इन टेंडों का कर कुछ नहीं सकते। ये अब जा रहे हैं ज़मीन के अंदर ही, ये टेंडे देखें हर के ऊपर 2-2, 4-4, 5-5 टेंडे हैं, और फसल भी ठीक खड़ी है। तो ये देखें, ये एक गाड़ हमने यहाँ पे कुतरी है, इसमें से ये टेंडे निकले हैं सर,
ये टेंडे निकले हैं, ये सारे इसके अंदर जा रहे हैं, ये ट्रैक्टर आ रहा है हाफिज साहब। और जगीर आ जाओ यार, हाफिज साहब ये ट्रैक्टर आ रहा है, फसल को देखिए बिल्कुल शादाब खड़ी है। और ये देखें ये जी ये सारे जो हैं करता धरता इस कपास के मोहम्मद जहांगीर गुलाम रसूल साहब FMC के बड़े माया नाज ऑफिसर हैं, ये जनाब मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद अफजल, और ये ड्राइवर पर जनाब ट्रैक्टर पर ड्राइवर बैठे हैं जनाब मोहम्मद साबर साहब, और ये रोटावेट कर रहे हैं। और ये मैं आपको फसल का दिखा रहा हूँ कि 4 अगस्त है आज, 4 अगस्त को हम ये रोटावेट कर रहे हैं। और इसके अंदर ये जो ज़मीन के अंदर पत्थर निकल रहा है, ये हमने जस्ट अभी पानी थोड़ा सा लगाया है ताकि ज़मीन इतनी पक्की हो गई थी 60 दिन पानी ना लगाने की वजह से, 60 दिनों की वजह से, 60 दिन पानी ना लगाने की वजह से ज़मीन इतनी पक्की हो गई थी। ये देखें इसकी फ्लावरिंग, और ये देखें ये हरियाली देखें कपास की, ये हरे पौधे। ये सर 37 समरोज 337 समरोज 337 है सर ये, और ये 36 मान और 12 किलो फी एकड़ इसका हमने रिकॉर्ड पहले भेजा था। ये ट्रैक्टर आ रहा है सर करीब, ये रोटावेट कर रहा है, 36 मान और 12 किलो फी एकड़ के हिसाब से। ये टर्मिनेशन हो रही है जी, इसके ऊपर 1509 धान लगेगा। अब ये देखिए ज़रा लश पश खड़ी है कॉटन, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि इसको चलाएं, हाफिज साहब ने भी कहा कि बड़ी लश खड़ी है इसको चलाना चाहिए। ये देखें बिल्कुल अरूज पे खड़ी थी, लेकिन फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शुरू किया था वो होना नहीं था। हाफिज साहब वहाँ पे बहुत गर्मी थी तो मैं पहला वीडियो जो है वो ये लगा रहा हूँ ताकि मैं थोड़ी क्लेरिफाई कर दूँ सारी बातें। तो एक तो ये है सर कि जो वैरायटी थी समरोज 337 ये हमने 14 जुलाई को लगाई थी, और वक्तन फवक्तन हमने कॉटन क्लब में भी और बाकी भी फेसबुक पे हम देते रहे। आज हमने उसको टर्मिनेट कर दिया जी 4 अगस्त को, और वहाँ पर बड़ी गर्मी थी, मैंने कुछ वीडियोज़ वहाँ पर बनाई हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ। और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि वहाँ से बात नहीं हो रही थी, एक तो ट्रैक्टर चल रहा था और एक गर्मी बड़ी थी, तो मैं जल्दी जल्दी बात कंप्लीट करूँगा। ये 36 मान और 12 किलो हुई सर पर एकड़ के हिसाब से, और हमारा प्रोजेक्ट ये था कि 31 जुलाई को हमने इसको ख़त्म करना है, तो वो चुनाई ना हो सकी, चुनियों ने लेट किया जिसकी वजह से ये जाके 4 अगस्त को ख़त्म हुई। वैसे ये कल से ख़त्म हो गई थी, रोटावेटर हमने आज मारा है, हम ज़रा बिजी थे, कल भी हो सकती थी। तो बाकी सर ये 36 मान 12 किलो मेरे ख्याल के मुताबिक मोर देन अनफ है, और हमारा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और जो हमने एक प्रोग्राम और एक प्रोजेक्ट के तहत हम चले, काफ़ी सारे दोस्त आए, उन्होंने विज़िट भी किया और अप्रिशिएट भी किया कि आप फरवरी से लेके जुलाई तक इसको कर सकते हैं। और ये मेरा ख्वाब था 2-3 सालों से कि कॉटन के ऊपर धान लगाऊँ, ये वाकई ये ख्वाब था जो आज हकीकत में तब्दील हो गया है कि हमने कॉटन के ऊपर से धान लगाना है। सब लोग कहते थे यार नहीं कॉटन के ऊपर से नहीं आ सकता, आप रिफाइन के ऊपर से 1509 लगा लें, मक्की के ऊपर लगा लें, आप तिली के ऊपर लगा लें, आप मूंगी काश करके लगा लें। कॉटन को कोई यकीन नहीं करता था कि कॉटन एक ही साल में कॉटन भी हो जाएगी और धान भी हो जाएगा। तो ये मैं बड़े दिनों से 2-3 साल से ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था कि नहीं यार ऐसा होगा कि हम 1509 भी काश्त करेंगे और कॉटन भी काश्त करेंगे। और देख लें आज अल्लाह के शुक्र से और आप सब दोस्तों की रहनुमाई से हमने आज ये कामयाबी हासिल की है, और हम इंशाल्लाह ताला सुबह इसमें धान ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और ये बड़ा बेहतरीन वक्त है, 5 अगस्त 1509 लोग लगाते हैं उनको पता है कि ये बेहतरीन वक्त है, 5 अगस्त 4 अगस्त 3 अगस्त ये बेहतरीन वक्त है इस वैरायटी के लगाने का। और पूसा 1509 लगाएँगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हमें वो धान में भी कामयाबी दे, उसकी भी हम वीडियोज़ गाहे बगाहे जो हैं धान की वो भी हम बनाएंगे, इसके ऊपर जो धान लगेगा उसकी वीडियो बनाएंगे, कॉटन के ऊपर जो लगेगा, और जब इसकी कटाई होगी और उसकी जो औसत आएगी वो भी हम फिर शेयर करेंगे।
मज़ीद जो आप फिर मुलाकात होगी तो हम इंशाल्लाह ताला बैठ के मज़ीद इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। कुछ कमियाँ कुतायाँ थी, हम उसको मज़ीद भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।